बैंकॉक से खबर शामिल करते हैं, जहां पर थाईलैंड के वजीर आजम प्रायुत चान ओ चा ने पार्लियामेंट तहलील करके मई में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। शाही गजट के मुताबिक पार्लियामेंट तहलील का ऐलान कर दिया गया, जबकि बताया गया कि 7 या 14 मई को इंतखाबात होंगे। 2014 में साबिक आर्मी चीफ प्रायुत ने इक्तदार पर कब्जा किया था, इसके बाद ये दूसरे आम इंतखाबात होंगे। 2019 में होने वाले इलेक्शन में प्रायुत ने इक्तदार पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत की थी, लेकिन इन इंतखाबात को मुतनाज़ा कहा जाता है। 2017 में फौज की तरफ से तैयार करदा आइन के तहत वजीर आजम का इंतखाब 250 सेनेटर्स और इवान जेरिंग के 500 अरकान करते हैं। याद रहे कि 1932 में जमहूरियत राइज होने के बाद से अब तक थाईलैंड में एक दर्जन से ज्यादा मार्शल लॉ लग चुके हैं।